सो दोस्तों, ब्लैक थार से रेड थार में आ गए। अब लखनऊ की गलियों में घूम रहे हैं। अब लखनऊ में अब कहाँ जाएं भाई, अब लखनऊ में जाते हैं, सबसे फेमस है रूमी दरवाजा और थोड़े बहुत टुंडे कबाब शबाब खाने के लिए। थोड़ा सा अभी गेड़ी मारने के लिए बाहर निकले। ये है भाई शांतनु भाई मेरा अभी यही घुमाता है लखनऊ में, तो मुझे याद ही नहीं रहता है कहाँ पर कौन सी गली है। मैं कितनी बार आ चुका हूँ बट याद ही नहीं रहता मुझे। अभी जा रहे हैं भाई, घर से डिमांड भी क्या आई है मेरे लिए, आते वक्त वो ले आना क्या चिकन के, चिकन कारीगरी वाले सूट। मैं वो चिकन खाने वाला चिकन नहीं, लखनऊ ऐसी जगह है चिकन खाए भी आता है, खाना भी जाता है। आप लखनऊ में है, अब खाएंगे अब खाएंगे या पहनेंगे, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, दोनों चीज मिलती है हमारे यहाँ पे। चलो जी, अभी कुछ यहाँ से ले लेते हैं भाई, हल्का फुल्का स्नैक्स। तो अभी हम पहुंचे हैं रूमी दरवाजा, तो ये सामने हमारे रूमी दरवाजा है। और देखो भाई, ये रास्ता देख के याद आ जाता है कि हम रूमी दरवाजा पहुंच गए। ये है बड़ा जामबाड़ा, इमामबाड़ा, ये है बड़ा इमामबाड़ा, ये आपको दिख रहा है। और ये सामने है रूमी दरवाजा, इसकी लाइट जब भी दीवार भी आ जाओ यहाँ पर लाइट बंद ही रहती है यार। क्या हो रहा है यहाँ, कुछ हो रहा है क्या? तो ये देखो रूमी दरवाजा, बट अभी क्या है यहाँ पर पूरा रेनोवेशन काम चल रहा है तो पूरा बंद है, साइड से डाइवर्जन निकाल दिया, रास्ता बंद है बिल्कुल। तो अभी हम रूमी दरवाजे से आगे की तरफ जा रहे हैं। अब सामने आ रहा है क्लॉक टावर, वो रहा घंटाघर क्लॉक टावर। तो ये है सारा दोस्तों ओल्ड लखनऊ, ये पुराना लखनऊ कहते हैं इसको पूरा। यहाँ पर जैसे अपनी दिल्ली में है पुरानी दिल्ली, ऐसे ही ये पूरा ओल्ड लखनऊ। आपको इसी गलियों से पता लगेगा कि पुराना लखनऊ क्यों कहते हैं, जैसे पुरानी दिल्ली में है ना वैसे ही है सब कुछ। हजरत हजरत, लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, उनसे अच्छा गुजारिश है इसलिए आए मौलाना मसूदी तशरीफ। चलता नहीं कपड़ों पे लगाकर पैगंबर, और चलता है तो चलता है। तो दोस्तों जैसे आपको मैं दिखाया था पीछे बड़ा इमाम था, ऐसे ही छोटा है। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है शेरो शायरी का, सुनाई दे रहा है आपको। बाकी कितनी अच्छी मतलब बनाया हुआ, ये पीछे का जो पूरा स्ट्रक्चर है कितना बढ़िया बनाया हुआ। ये इधर भी ऐसा बनाया हुआ है, इधर भी ऐसा बनाया हुआ है। ये इधर देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखो भाई साहब, अभी हम कहाँ खड़े हैं, गोलगप्पे पानी पूरी के बताशे, बताशे वाले ये बताशे खा रहे हैं यहाँ पर हम लखनऊ के। भाई साहब यहाँ पर गोलगप्पे खाए हमने, ट्राई कर लिए, मतलब खाते हैं कैसे लग रहे हैं। तो आज समझ में आया कि लड़कियाँ क्यों बोलती हैं भैया और तीखा और तीखा, क्यों बोलती है भैया तीखा और तीखा, तीखा ज्यादा पसंद आता है। ये क्या है सब इसमें, ये क्या है, नारियल काजू बादामी किस लिए रखे हुए? दही पूरी, ड्राई फ्रूट वाले बनाते हो? अच्छा क्या बात है, ये देखो ऐसे ये बना रहे हो, दही पूड़ी बना रहे हो? ये दही पूड़ी बना रहे हैं भैया। दही सॉल्ट काजू बादाम किशमिश, ये देखो ये नारियल आ गया, ये ऊपर से काजू आ गया, बादाम आ गया, पिस्ता भी आ गया, काजू पिस्ता ये। और क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया। ले रहे कुछ शिलम मिलम फ्लेवर फ्लेवर इसकी बिरयानी बड़ी फेमस है शकील की, शकील की, शकील भाई की बिरयानी खाएंगे। चलो आओगे जी, जी आ गए हम सामने टुंडे कबाब। लखनऊ आया कबाब ना खाया ऐसा हो नहीं सकता, तो आ गए हम स्पेशल टुंडे कबाब, कबाबी कबाबी है तो
कबाबी है, कुंडे कबाबी, अलीगंज बुबक्का लुलू मॉल, लुलू तो दोस्तों टुंडे कबाब से खाना वाना अपना डिनर पैक करवा लिया हमने, अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर की तरफ, घर जाकर डिनर करेंगे। बाकी अगर लखनऊ आते हो तो टुंडे कबाब जरूर ट्राई करना, साथ में प्रकाश दी कुल्फी, मशहूर कुल्फी जो है ना, ये लखनऊ की सबसे फेमस कुल्फी वाला है, ये आपको जूम कर दिखाता हूँ। ये सो दोस्तों ये सामने है लखनऊ का विधानसभा, देख क्या बढ़िया लग रहा है देखने में, क्या बड़ा है भाई साहब, क्या कलर लाइटिंग करी हुई है, अच्छा लग रहा है ना देखने में, कलर दो चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ये है सीएम ऑफिस लोक भवन, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, ये देखो। The next day. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब। नया दिन नए दिन की शुरुआत महादेव के नाम के साथ, और एक डेली फ्रेश ब्लॉग तो नहीं है ये, अपना ट्रैवल ब्लॉग है। तो अभी हमने जैसा देखा लास्ट ब्लॉग में, हम लखनऊ पहुंचे थे, लखनऊ की नवाब की नगरी, तो लखनऊ में पूरे हमने इंजॉय किया, रात को थोड़ा घूमे फिरे, अब जा रहे हैं भाई यहाँ से दिल्ली की तरफ, अब दिल्ली निकल रहे हैं, और क्या है अब सीधा एक्सप्रेस वही है बस, यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से आगरा, आगरा से दिल्ली, ठीक है। तो मिलते हैं फटाफट आपको एक्सप्रेस वे में, भाई पेट्रोल भी फुल कराना है, इसके टैंक में पेट खाली है, हमारा तो पेट खाली ही रहता है, इसका भरना जरूरी है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो दोस्तों अभी लखनऊ एक्सप्रेस वे थोड़ा सा पहले ही हुआ, 500 मीटर आगे लखनऊ एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से भाई टॉप अप फुल करवा लेते हैं टंकी अपनी पैसार की, क्योंकि इसे लग रही है भूख बहुत ज़्यादा। अब ये थर्ड टैंक हो रहा है, थर्ड टाइम आ जाएगा 50 लीटर के आसपास, टैंकी खाली थी पूरी। सो अपने थार में आ गया 55 लीटर के आसपास पेट्रोल, 608 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। चलो अब चढ़ते हैं सीधा आगरा एक्सप्रेस वे पे, सॉरी लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, और एक रेडबुल ले लिया भाई, कि अब तो यही सहारा है एक्सप्रेस वे पे, है ना। चलो अब निकलते हैं एक्सप्रेस वे की तरफ। आगरा 316 कन्नौज कितना था पता नहीं, 316 है आगरा यहाँ से, और 200 कुछ किलोमीटर है वहां से घर। हाँ जी कान जी, कैसे कैसे कैसे, अब चलते रहो जी। भाई एक तो जरूरियत होती है, ऐसा नहीं मैं रोज पीता हूँ, सिर्फ रोड ट्रिप पे होता हूँ, तो एक जिस दिन भाई लंबी ड्राइव करनी होती है वो जरूरी जरूरत पड़ती है मुझे, सब खास करके भाई अगर अकेले हैं तो, समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हो ना। और बताओ सब ठीक, आप लोगों से बात करता हूँ भाई, ये तो मेरी जो विंडोज की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं फिर आपसे, बाकी यार मौसम इतना क्लाउडी हो रहा है, देखो बाहर देखो, बहुत ही ज़्यादा अजीब मौसम हो रखा है भाई, जब से आया हूँ तब से ऐसे ही है। ये काम कर ड्रोन फ्लाइट कहाँ से करें, कुछ भी चलो देखते हैं, अच्छी लोकेशन दिखती है तो, कोई अच्छी लोकेशन दिखती है तो फिर ड्रोन फ्लाई करते हैं, है ना। 90 पर क्रूज कंट्रोल लगा दिया, आराम से बैठे हैं भाई, पैरों को मोड़ के चिल, देखो चिल करके बैठे हैं, चिल एकदम आराम से, अब ऐसे चलती रहेगी अपनी थार, मुझे भी चलते रहेंगे। 90 स्पीड ठीक है भाई, एवरेज भी सही आएगी, ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने की जरूरत क्या है भाई, 100 की लिमिट है, समझ रहे हो बात को। तो वेलकम टू लखनऊ रनवे, तो ये लखनऊ का रनवे है हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, किसी को अगर पता है तो कमेंट करके बताना कि ये रनवे क्यों बनाया गया था, क्यों बनाया गया था बताना। यहाँ पर कोई टेस्टिंग हुई थी फाइटर प्लेन्स की आई थिंक, जो मुझे जितना याद है आइडिया, मतलब ध्यान नहीं आ रहा मुझे प्रॉपर, कि यहाँ पर टेस्टिंग हुई थी इस रनवे, मतलब ये रनवे बनाया था, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया हुआ। तो ये भाई कम से कम ये 5-10 किलोमीटर लंबा है, फिर पैच है पूरा बीच में ये डिवाइडर डाल दिए, पहले ये डिवाइडर भी नहीं थे। तो दोस्तों रुका हूँ मैं भाई एक्सप्रेस वे पे ही हूँ अभी, फूड किंग प्लाजा।
तो रुक गए हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, भूख भी लग रही है, प्लस फ्रेश भी हो जाएंगे, थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा, अपने को भी मिल जाएगा, क्योंकि भाई इट्स ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर चल चुका हूँ जब से निकला हूँ। बैठे बैठे कमर भी सॉरी कमर भी ऐसे हो जाती है ना। चलो थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, क्या मिलेगा यार यहाँ खाने वाला ढंग में कुछ मिलता ही नहीं है। तो जी मसाला डोसा लिया है भाई, मसाला डोसा देखो कैसा लग रहा है, बाकी देखते हैं खा के कैसे समझ में आता है, नहीं सांभर पी के देखें कैसा है। भाई साहब बहुत गर्मी है, भाई साहब बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, 5 मिनट वहाँ से यहाँ तक आते ही आते पसीना आ जाते, 5 मिनट में मतलब वहाँ रेस्टोरेंट से लेकर गाड़ी तक आया हूँ पसीने छूट जाते हैं, इतनी गर्मी है। चलो भाई खा लिया बढ़िया डोसा, ठीक ठाक लगा, अच्छा था। अब चलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली, अब तो भूख नहीं लगेगी, अब दिल्ली जाके घर जाके खाएंगे, ठीक है। सो लखनऊ एक्सप्रेस वे फिनिश, अब हम पहुँच रहे हैं, अब हम पहुँच गए मतलब चढ़ रहे हैं अब। सो लखनऊ एक्सप्रेस वे फिनिश हो गया, और यहाँ से अब हम लेंगे आगरा यमुना एक्सप्रेस वे, जो सीधा हमें कनेक्ट करेगा नोएडा से, ठीक है, नोएडा जाने के उसके बाद फिर हम ये पहले ग्रेटर नोएडा, फिर नोएडा, फिर दिल्ली में एंटर हो जाएंगे। बड़ी ही खुशी की बात है, कोई नदी आ रही है लगता है, कोई बड़ी नदी है, नदी के चलो नदी आ रही है कि ड्रोन फ्लाई करें क्या नदी के ऊपर, तो देखते हैं, यहाँ ड्रोन फ्लाई करते हैं, आप थोड़ा ड्रोन के मजे लो, तब तक हम ड्रोन बोलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी हूँ यमुना नदी के ऊपर, ये देखो यमुना नदी, तो अभी यमुना नदी के ऊपर है हम, भाई कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी बड़ी भी है, अभी बहाव बहुत तेज है ना पानी का, तो पानी इस साइड से इधर आ रहा है आई थिंक, उधर से इधर आ रहा है, तो हमें उस साइड ही जाना है, मतलब दिल्ली की तरफ से ही आ रहा है ना। चलिए जी दोस्तों। सो अभी मैं ड्रोन उड़ा रहा था, और ड्रोन उड़ाते उड़ाते एक अंकल आए पीछे से, कह रहे क्या कर रहे हो, मैंने कहा ड्रोन उड़ा रहा हूँ, कह रहा ये किचड़े का नाम है, मैं चिड़िया का नाम नहीं है ड्रोन उड़ा रहा हूँ मैं, कह रहा वही तो क्या उड़ा रहे हो ड्रोन, कौन सी चिड़िया उड़ा रहे हो, मैंने कहा वो जो चिड़िया उड़ रही है ना वो मेरी चिड़िया है, उसके आपस में आपको दिखाऊंगा, मतलब उसके आपस में मैं भी देख सकता हूँ, ऐसा मतलब बोला उसको, समझ नहीं पाए चले गए। और दोस्तों कैसे लगे कि ड्रोन शॉट, कमेंट करके जरूर बताना, अभी यह थोड़ा सा मौसम ना कुछ अलग ही हो रखा है, धुंध, ये देखो कहाँ खड़ी कर रखी है दोस्तों, एक खूब आदमी ने, कैसे कैसे आदमी है यार, एक्सप्रेस वे पर चल रहा है तू, पता नहीं है क्या, बताओ जरा तुझे कौन बताएगा कि एक्सप्रेस वे पर। चलो जी अब आगरा का भी टोल आ गया, इसको भी पे कर देंगे, यहाँ तो एंट्री होगी भाई 655 रुपये का टोल कटता है लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, 655 रुपये का बड़ा ही बड़ा तोल है भाई, रोड टैक्स भी दो फिर तोल भी दो, ये क्या मतलब है यार, ये क्या मतलब है, ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा है, लाखों रुपए का गाड़ी लो तो लाखों रुपए का रोड टैक्स दो,
किस बात का भाई, तो गाड़ी चली नहीं है, चलेगी, आगे चलेगी, फ्यूचर में गाड़ी चलेगी, तो उसका टैक्स तुम पहले ही ले रहे हो एडवांस में, उसके ऑफिस जब हम रोड पे चलाएंगे उसका भी टैक्स लेते हो एडवांस में यार, टोल ही टोल देते रहेंगे क्या भाई, पता नहीं भाई, मेरे समझ में से बाहर है। सो दोस्तों, अभी एक्सप्रेस वे खत्म होके अब नोएडा में एंट्री हुई है और यहाँ पर बारिश हुई है थोड़ी देर पहले ही, और मेरे एंट्री होने के बाद ही बारिश बंद हो गई, मतलब सही बारिश हुई है, देखो पानी भरा हुआ थोड़ा थोड़ा साइड में, तो इसका मतलब सही बारिश हुई है भाई, मेरे टाइम पे भी हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी, थार धुल जाती है मेरी थोड़ी और क्या। तो दोस्तों दिल्ली में एंट्री होने वाली है और इधर देखो राइट में क्या जाम लगा हुआ है भाई साहब, बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है जाम से, अभी देखो हमारे भी क्या हाल होता है, अभी दिल्ली में एंट्री होने का पता चलेगा, बाकी उस साइड तो भाई पैक चल रही है, और जाम का नज़ारा दिखाऊं, 16 किलोमीटर एक घंटा लग रहा है 16 किलोमीटर के लिए, ये इस हद तक जाम है भाई, इस हद तक भाई, इतना ट्रैफिक सदा दो ट्रैफिक में चला के, ऊपर से भूख भी लगने लगी, अब भाई एग रोल ले लिया, एग रोल खाते चल पहुंच जाएंगे घर तक। सो दोस्तों पहुंच गए घर सेफली और लग गए भाई नोएडा से घर आते आते 2 ढाई घंटे लग गए, थोड़ा बीच में क्या रुक भी गया था रोल खाने के लिए, अब बस इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करके जाने चैनल को अगर नहीं किया है तो। We'll be right back.